दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक मूवी हेरा फेरी के सीक्वल फिर हेरा फेरी का। फिर हेरा फेरी 2006 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, बिपाशा बासु, रिमी सेन, जॉनी लीवर, शरद सक्सेना, मनोज जोशी, मिलिंद गुना जी, राजपाल यादव, रवि किशन और दिनेश इंगू। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं नीरज बोरा और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फिरोज ए नाडियाडवाला ने। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस फिल्म की शुरुआत होती है हेरा फेरी वन के एंड से, जहां राजू, श्याम और बाबू राव गरीबी से निकल के अब अमीरों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर कहानी अपना असल रुख तो तब लेती है जब राजू यानी अक्षय कुमार को अनुराधा लक्ष्मी चिट फंड से एक कॉल आती है, जहां उसको पता चलता है कि वो अपने पैसे 21 दिन में डबल कर सकता है। और फिर राजू लालच में आके 1 करोड़ का इंतज़ाम करता है जिसमें वो अपना घर तक भी बेच देता है। और जब 21 दिन के बाद राजू अपनी डबल पेमेंट लेने अनुराधा यानी बिपाशा बासु के ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि अनुराधा उसके पैसे लेके भाग चुकी है और राजू अब रोड पे आ गया है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफ़ी दिलचस्प किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन के बारे में तो मशहूर राइटर और डायरेक्टर नीरज बोरा का माइंडसेट कॉमेडी फिल्म्स को लेके काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है और इस बार भी उनका काम बेहद शानदार रहा। और नो डाउट कल्ट क्लासिक फिल्म हेरा फेरी का इससे बेहतर सीक्वल तो शायद ही बन पाता। और इस ज़बरदस्त डायरेक्शन पे नीरज बोरा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करें तो फिर हेरा फेरी एक आउट एंड आउट नॉन स्टॉप कॉमेडी फिल्म है, जहां राइटर्स का एक मकसद नज़र आता है कि ऑडियंस को नॉन स्टॉप एंटरटेन करना। और मेरे ख्याल से अंदाज अपना अपना और हेरा फेरी के बाद फिर हेरा फेरी ही वाहिद एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसका हर एक सेकंड हाईली एंटरटेनिंग है। इसके अलावा डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स के मामले में भी ये फिल्म एक अलग ही लेवल पे स्टैंड करती है, जहां तकरीबन 16 साल के बाद भी इस फिल्म के कॉमिक डायलॉग्स और ह्यूमर को लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। और कॉमेडी की बात करें तो इस फिल्म का पूरा दारोमदार ही सिचुएशनल कॉमेडी और ह्यूमर पे बेस्ड है। और नो डाउट ऐसी क्लासिक कॉमेडी तो शायद ही हमने पहले कभी या इसके बाद आने वाली फिल्मों में देखी हो। इसके अलावा म्यूज़िक की बात करें तो फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी यूनिक है, जहां इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की तो अक्षय कुमार इस फिल्म में अपनी बेस्ट एवर कॉमेडी परफॉर्मेंस देते नज़र आए, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस और ह्यूमर तो काफ़ी फनी साबित होता है। और इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे अक्षय कुमार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसके अलावा परेश रावल की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि बाबू राव का आइकॉनिक करेक्टर तो सिर्फ और सिर्फ परेश रावल के लिए ही बना है। और इस बार परेश रावल सिचुएशनल कॉमेडी में हेरा फेरी से भी 2 कदम आगे रहे और वाकई में परेश रावल की परफॉर्मेंस काफ़ी एंटरटेनिंग साबित होती है। और सुनील शेट्टी की बात करें तो इस फिल्म में श्याम के रोल की इम्पोर्टेंस को थोड़ा बहुत कम किया गया है, मगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो सुनील शेट्टी ने एज़ यूजुअल काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा बिपाशा बासु, रिमी सेन, जॉनी लीवर और राजपाल यादव के साथ साथ फिल्म की बाकी कास्ट ने भी रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है। अब बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म को 9 जून 2006 को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म का बजट 18 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 40 करोड़ 81 लाख का कलेक्शन किया था
और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 69 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया था और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। ओवरऑल देखा जाए तो फिर हेरा फेरी बॉलीवुड की बेस्ट एवर कॉमेडी मूवी है, जिसे एक वेल स्क्रिप्टेड और वेल डायरेक्टेड मूवी कहना भी गलत नहीं होगा, जो एक आउटस्टैंडिंग रिपीट वैल्यू भी रखती है। तो दोस्तों फिर हेरा फेरी मूवी मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूँगा, आप सब भी इस कल्ट क्लासिक मूवी को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप सब ने ये मूवी देख ली है तो इस मूवी का सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपको कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।